नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। ईपीएफओ एसएसए से रिकॉर्डिंग जितने भी आपके प्रश्न थे जो आपने वीडियो के कमेंट में किया था कि सर क्या हम दूसरे स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कई जगह अलग अलग वैकेंसी, आपके ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा वैकेंसी है, यहाँ से भरूँगा तो सेलेक्ट हो जाऊँगा, जो भी आपकी समस्या है जो आपने कमेंट में किया है तो वो सब मैं आपको बताऊँगा। एज लिमिट से रिलेटेड आप लोगों ने बोला था, सर मेरे 31 साल हो गए हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर क्या ये बैंकिंग की तरह एग्जाम होगा। ये सब जो आपके सवाल हैं, इन सभी के आपके ही प्रश्नों के जवाब मैं दूंगा। जैसे आज मेन है कि अदर स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, कट ऑफ जो होगी वो आपकी जो स्टेट वाइज कट ऑफ बनेगी, एज लिमिट क्या है, ठीक है, सेंटर आपको कहाँ मिलेगा, ये जो आपके सवाल हैं जिनके वजह से आप सोच रहे हो फॉर्म भरें या नहीं भरें, ठीक है, तो ये सब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। उससे पहले एक जरूरी सूचना ये है कि जो भी बच्चे ईपीएफओ एसएसए की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ तो ये डर रहे हैं कि सर बैंकिंग के तर्ज पे है इसलिए हम नहीं भरेंगे। अरे पूरा पूरा चेंज कर दिया गया है भैया, कि यहाँ पर बैंकिंग प्रीमेंस वाला सिस्टम ही नहीं रहा है। अब जो नया सिलेबस आया, आपको सर ने वीडियो बनाया है उसको देख लीजिएगा, बहुत ही आसान कर दिया गया है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया गया है। आप अगर उसको पूरा पैटर्न देखोगे तो एकदम आसान है, एक बार तैयारी करो, एक एग्जाम दो, सीधे नौकरी लो। ठीक है, जिन्हें भी एसएससी की तैयारी करना है वो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर ले, वहां पे आपको ये डेडिकेटेड बैच मिलेगा। इसमें अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 599 में ये बैच है, आप बैच वहां से परचेस कर सकते हैं। अब आते हैं आपके सवालों पर, कि आपके सवाल जो है कि क्या अदर स्टेट से फॉर्म भरा जा सकता है। बिल्कुल फॉर्म भरा जा सकता है। आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म भरोगे ना, आपसे प्रिफरेंस पूछेगा बच्चों, किसी भी स्टेट से हो तो आपसे क्या पूछेगा, प्रिफरेंस पूछेगा। जहां से भी आप प्रिफरेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे आप प्रिफरेंस डालोगे कि कहां से आप, मतलब कौन कौन सा अलॉटमेंट आपको कहां चाहिए। अब प्रिफरेंस में आपने जो भी रीजन डाला, मान लो यूपी डालिए, महाराष्ट्र डालिए, आंध्र प्रदेश डालिए, क्योंकि कोई लैंग्वेज टेस्ट तो हो नहीं रहा आपका, तो अब यहां पर सपोज करो कट ऑफ की बात, यहीं पर दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि सर जो कट ऑफ है वो रीजन वाइज बनेगा स्टेट वाइज बनेगा। हाँ, कट ऑफ आपका रीजन वाइज बनेगा। सपोज करो यूपी की कट ऑफ गई 70, इसकी गई 50 नंबर, ठीक है, यहां पे वैकेंसी ज्यादा है, यहां पे गई 80 नंबर। तो अभी देखो, जब आप यूपी के हो, आपने पहले पढ़ा यूपी में प्रेफरेंस डाला है, ठीक है, आपने यूपी से फॉर्म, जो भी हो आप फॉर्म कहीं से भरो, ठीक है, आपको प्रेफरेंस डालना है यूपी महाराष्ट्र ऐसे करके। अगर आपके नंबर आए ऐसे कि आप यूपी के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है, एपी के लिए, महाराष्ट्र के लिए भी एलिजिबल हो, तो उस केस में आपका पहला प्रेफरेंस देखा जाएगा। मैंने कहा कोई कैंडिडेट है, ये कट ऑफ गई और मैंने नंबर जो पाया है वो 65 नंबर पाया। सपोज करो अगर मैं 65 नंबर पाया हूं तो मैं यूपी में तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसका कट ऑफ 70 है, तब मुझे महाराष्ट्र अलॉट हो जाएगा। क्या अलॉट हो जाएगा, महाराष्ट्र अलॉट हो जाएगा, मैं महाराष्ट्र में जॉब कर सकता हूं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया कि आपको जो एलोकेशन होगा, आपकी जो जॉब मिलेगी वो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगी और वो कट ऑफ डिसाइड करेगा। सपोज करो जैसे मैंने कहा यूपी का कट ऑफ 70 बना है, महाराष्ट्र का 50, एपी का 80, और आप यूपी के बंदे हो और आपके नंबर आए हैं 65, तो कहोगे आप तो यूपी में हमें जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन आपने प्रेफरेंस में ऐसा डाल रखा है तो आपको यूपी में नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी कट ऑफ ज्यादा, तो महाराष्ट्र में आपको जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा होगा, प्रेफरेंस से आपका जॉब एलोकेशन होगा। दूसरी बात कि आपका सेंटर कहां पड़ेगा एग्जाम को, क्योंकि बच्चे कुछ इसको भी लेकर सोचते हैं कि कहां पर डालेंगे, जहां पर, जहां से फॉर्म पहले प्रेफरेंस डालेंगे हो सकता है वहीं सेंटर मिल जाए, ऐसा नहीं है। सेंटर का भी च्वाइस आपके पास होगा, ठीक है, सेंटर को भी आपको फिल करोगे कि मुझे यहां यहां सेंटर चाहिए, ठीक है। अगर आप यूपी में हो चाहे तो आप यूपी के सेंटर चूज कर लो, बहुत सारे सेंटर होंगे। 27 तारीख से फॉर्म फिल होगा, तो वहां पर मैं लाइव आपको आकर बता दूंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं, सेंटर जहां भरेंगे, जहां जिस स्टेट से भरेंगे वहीं पर एग्जाम देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बैंकिंग वाला सिस्टम नहीं है, क्लर्क वाला सिस्टम ना समझो। यहां पर आप अपने यहां सेंटर चूज कर सकते हो, आपको पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस जो है लगा सकते हो, बाकी ईपीएफओ डिसाइड करेगा, आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगी कि आपकी पोस्टिंग कहां होगी। और भी कोई समस्या है जैसे एज से रिलेटेड, बाकी आपके सवालों के जवाब मिल गए। अब एज की बात करें, कोई बच्चा पूछ रहा है सर 31 साल है मैं भर सकता हूं कि नहीं। देखिए एज जो लिमिट है आपकी वो 18 से 27 साल है,
जो एज लिमिट है आपकी बताया गया था नोटिफिकेशन वाला, आप वीडियो देखिएगा, 18 से 27 साल है जनरल के लिए। बाकी एससी और एसटी का जो रिलैक्सेशन मिलता है आपको और जो भी मिलेगा, जैसे ओबीसी वाले हैं कहते हैं कि मेरा स्टेट का सर्टिफिकेट बना, वहां स्टेट का सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा क्योंकि आपको अदर स्टेट में भी जाना है, तो सेंटर के ओबीसी के लिस्ट में आप आते हो और सेंटर का ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वही आपका चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। एससी एसटी का चल जाता है। तो यहां पर बोला गया आपके से क्या कि एससी एसटी को 5 साल रिलैक्सेशन है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले को 3 साल का है। तो अगर कोई 27 से 3 30 ही तो हुआ तो आप 30 साल तक हैं ओबीसी वाले भर सकते हैं, 31 साल वाले नहीं भर सकते। लास्ट एज कहां तक काउंट होगा ये भी जान लो। फॉर्म की जो लास्ट डेट है, यहां पर बोला है ना एज ऑन ए क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वहां तक आपका क्या होना चाहिए 30 साल होना चाहिए और जनरल का 27 साल होना चाहिए और ओबीसी वालों को 5 साल और मान लो तो 32 साल। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट है मैंने बता दी। बाकी और भी एक्स सर्विसमैन उनकी जो क्राइटेरिया में आओगे या पहले आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हो तो यहां पर आपके अलग अलग एज लिमिट दिया गया है जो आप पीडीएफ से देख सकते हो। जिसको पीडीएफ नहीं मिला है वो परीक्षा प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ दे दी गई है, आप डिटेल आप वहां से देख सकते हो। बाकी अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।